नमस्कार, न्यूज क्लिक की डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं एक बार हेडलाइंस पर। देश में 22,752 नए मामले, अभी तक 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत। बिहार में हर महीने 100 से ज्यादा अधिक बलात्कार, क्या यही है सुशासन? ओपन बुक परीक्षा, अन्याय और भेदभाव पर आधारित। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार सुबह 8 बजे जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 22,752 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा कोरोना संक्रमण के कारण 482 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। साथ ही इसी बीच कोरोना से पीड़ित 16,883 मरीजों को स्वस्थ भी किया जा चुका है। देश भर में अब कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 7,42,417 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार अभी तक 61.53% यानी 4,56,831 मरीजों को ठीक किया जा चुका है, लेकिन संक्रमण के कारण 20,642 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। इसी के साथ देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 2,64,944 हो गई है। ICMR द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक कुल 1,04,73,771 सैंपल की जांच की गई है, जिसमें से 2,62,679 सैंपल की जाँच बीते 24 घंटों में हुई है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 22,752 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से महाराष्ट्र 5,134, तमिलनाडु 3,616, दिल्ली 2,008, तेलंगाना से 1,879, कर्नाटक से 1,498, उत्तर प्रदेश से 1,332, आंध्र प्रदेश से 1,178, पश्चिम बंगाल से 850, गुजरात से 778, राजस्थान से 716, उड़ीसा से 571, हरियाणा से 495, बिहार से 445, असम से 362, MP से 343, केरल से 272, पंजाब से 258, जम्मू कश्मीर से 256, झारखंड से 149, पुडुचेरी से 128, छत्तीसगढ़ से 110 और दादर नगर हवेली से और दमन दीव से कुल मिलाकर 108 नए मामले सामने आए। साथ ही गोवा से 90, उत्तराखंड से 69, मणिपुर से 40, लद्दाख से 36, त्रिपुरा से 24, 6 मामले हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह से और 5 नए मामले चंडीगढ़ से सामने आए हैं। बीते दिन देश के 4 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से कोई नया मामला सामने नहीं आया, जिसमें नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम और मेघालय शामिल हैं। बिहार में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, इस बात की गवाही बिहार पुलिस के खुद के आंकड़े बता रहे हैं। पुलिस द्वारा 28 जून को राज्य से जुड़े अपराधों के आंकड़े को सार्वजनिक किया गया। इसमें सबसे चिंताजनक स्थिति है महिलाओं की। राज्य में महिलाओं को लेकर अत्याचार रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। बिहार पुलिस के इस साल के आंकड़ों के मुताबिक कम से कम 100 महिलाओं का हर महीने बलात्कार हो रहा है। अभी हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जो बिहार की भाजपा JDU गठबंधन सरकार के राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठा रही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन आज बिहार में जिस तरह की बलात्कार, लूट, हत्या की घटनाएं हो रही हैं, वो सरकार पर गंभीर सवाल खड़ा कर रही हैं। बिहार में विपक्ष सवाल कर रहे हैं कि कहां है बिहार की कानून व्यवस्था। अभी हाल ही में बिहार के दरभंगा जिले में हुआ बलात्कार का मामला सुर्खियों में रहा, उसको लेकर ट्विटर पर भी खूब चर्चा हुई। ऐसा नहीं था कि पिछले कुछ समय में यही एक घटना हुई है, परंतु इस घटना की चर्चा इसलिए अधिक रही क्योंकि उस पीड़िता का नाम संयोग से अभी कुछ दिन पहले ही अपने पिता को सैकड़ों किलोमीटर साइकिल चलाकर बिहार ले जाने वाली साइकिल गर्ल के नाम से मिलता था। इसलिए इस घटना ने कुछ दिनों में ही पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। हालांकि पीड़िता का नाम ही साइकिल गर्ल के नाम से मिलता था, बाकी वो नाबालिग दलित लड़की दरभंगा जिले के पतार की निवासी थी, जिसके साथ बलात्कार हुआ और फिर उसकी हत्या हुई। इसका आरोप सेना के अवकाश प्राप्त नायक सूबेदार अर्जुन प्रसाद मिश्र पर लग रहा है। आरोपी ब्राह्मण और पीड़िता दलित जाति से है, इसलिए इसे जातिगत शोषण से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दलित शोषण मुक्ति मंच के राज्य महासचिव श्याम भारती ने कहा कि इस घटना की जानकारी मिलने के तुरंत बाद ही वे घटना स्थल पर पहुंचे और SSP से दोषी अपराधी को गिरफ्तार कर परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि सामंती अपराधियों से मिलकर दरभंगा प्रशासन इस घटना पर लीपापोती करने में लगा हुआ है। अगर 15 जुलाई से पहले अपराधी गिरफ्तार नहीं होता है तो दलित शोषण मुक्ति मंच दरभंगा पुलिस महानिरीक्षक के समक्ष आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करेगा। माकपा के राज्य सचिव अवधेश कुमार ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि भाजपा JDU शासनकाल में सामंती अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है, जिससे दलित गरीब महिलाओं पर शोषण का अत्याचार भी बढ़ रहा है और सामंतवादी सरकार आंख पर पट्टी बांधे हुई है। जनवादी महिला समिति की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम परी ने इस घटना की कड़ी निंदा की और कहा
कि पूरे देश में दलित बच्चियों की और महिलाओं के साथ शोषण लगातार बढ़ रहा है और इसके खिलाफ एक लड़ाई लड़ने की जरूरत है। कोविड 19 के चलते देश भर में जो लॉकडाउन घोषित किया गया उससे विश्वविद्यालय के सत्रों पर काफी बुरा असर पड़ा। छात्रों की परीक्षाएं अधर में लटक गईं। कई राज्यों और विश्वविद्यालयों ने परीक्षाएं रद्द कर दी, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रशासन अंतिम सत्र के छात्रों की ऑनलाइन परीक्षा करवाने के लिए अड़ा हुआ है। इस कदम का विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ और कई छात्र संगठन भी और साथ ही साथ आम छात्र अभिभावक भी विरोध कर रहे हैं। इसी विषय पर न्यूज क्लिक ने दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षक आभा देव हबीब से बात की, आइए सुनते हैं आभा। पहला सवाल तो यही कि डूटा जो टीचर्स एसोसिएशन है वो भी इन ओपन बुक एग्जाम्स का विरोध कर रही है और लगातार कर रही है, तो आपका जो मेन पॉइंट है इसको अपोज करने का वो क्या है? देखिए, ऐसा है कि लॉकडाउन पूरे देश में एक सरप्राइज की तरह आया, फॉरन एक अनाउंसमेंट से लॉकडाउन हो गया। उससे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में मिड सेमेस्टर ब्रेक चल रहा था और हमारे स्टूडेंट्स जो हैं अपने घर गए हुए थे। एक बहुत बड़ा स्टूडेंट का ग्रुप है जो बाहर से आता है। आपको मालूम है हम एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं और अक्रॉस द कंट्री हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं। और सडनली 19 मार्च को पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा कि बंद रहेगा और उसके बाद लॉकडाउन में 24 मार्च से चला गया, तो हम बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड थे। और इसके बाद MHRD या DU के जो सर्कुलर आए कि ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई होगी, ई रिसोर्सेज से पढ़ाई होगी, उसके लिए कोई किसी भी तरीके का इंस्टीट्यूशनल मदद DU की ओर से या सरकार की ओर से नहीं हुआ टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए। तो एक तरीके से बहुत अनइवन तरीके से स्टूडेंट्स का पढ़ाई हुआ और ये भी कॉलेजेस पे छोड़ दिया गया कि वो किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, किस तरीके से मीटिंग्स होल्ड करें। DU ने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई कि हर डिपार्टमेंट में मीटिंग होगा, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगा पढ़ाने लिखाने का। मैं मिरांडा हाउस से आती हूँ और वहां बहुत तरीके की मीटिंग्स हुई हर एक लेवल पे और हम बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाए कुछ और कॉलेज पे, लेकिन पढ़ाई बहुत अनइवन थी इंस्टीट्यूशन की ओर से। और उसके बाद ये डिपेंड कर रहा था कि स्टूडेंट के पास कोई गैजेट है या नहीं, कनेक्टिविटी है कि नहीं। तो मैं एज अ टीचर अगर एफर्ट कर भी रही थी तो मैं पूरी तरीके से हर स्टूडेंट के लिए एक तरीके से नहीं पहुंच पाई। मेरे जैसे फॉर एग्जांपल मैं 46 स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ एक कोर्स में, और जबकि रीडिंग मटेरियल लोगों को मिला और उन्होंने कहा कि उनको मिल गया है, जूम पे कभी भी 12 स्टूडेंट से ज्यादा नहीं आए और ऐसा भी नहीं था कि वही 12 लोग आए हों। तो जब मैंने पूछा कि आप जूम पे क्यों नहीं आ रहे, तो उन्होंने कहा कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा इशू है हमारे साथ। और ये भी 20% बच्चों ने कहा कि घर का एनवायरमेंट ऐसा है कि हम जूम पे नहीं आ सकते। तो ये सारी चीजें हमारे सामने ऐसी हैं कि हम अगर अनइवन मतलब इवन तरीके से नहीं पढ़ा पाए, एक अनइवन तरीके से हम बच्चों तक पहुंचे, तो जहां दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर हम सिर्फ टर्मिनल स्टूडेंट की बात करें तो लगभग 400,000 स्टूडेंट है जो इस बारी एग्जाम देना चाह रहा है, तो 400,000 स्टूडेंट के साथ एक बहुत बड़ा मजाक हो जाएगा। और हम 56 कॉलेजेस में अंडर ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ाते हैं, तो 56 कॉलेजेस का एक सेंट्रलाइज्ड एग्जाम होना आज के दिन में ठीक नहीं, जब हर इंस्टीट्यूशन ने अलग मेहनत किया हो और एक ही टीचर की क्लास में भी स्टूडेंट पे हम अलग तरीके से पहुंच पाए हों। और हम तो किसी भी फॉर्म ऑफ एग्जामिनेशन को एक डिस्क्रिमिनेशन का तरीका मान रहे हैं इस समय। OBE अपने आप में और ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है क्योंकि उसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व है उसमें स्टूडेंट के पास किस तरीके का आज एनवायरमेंट है वही निर्णय करेगा कि वो स्टूडेंट परफॉर्म कर पाएगा या नहीं। क्या उसके पास रीडिंग मटेरियल पहुंच गया था, क्या उसकी क्लास हो पाई थी, आज उसके दिन में कनेक्शन कैसा है, उसके घर पे कनेक्टिविटी का क्या हाल है, क्या उसके पास कोई गैजेट है। देखिए, डूटा ने एक सर्वे किया था अपने स्टूडेंट्स के बीच में और उसमें 51,500 स्टूडेंट्स ने जब रिस्पॉन्ड किया तो हमने वो डिपॉजिट किया, उसमें 75% स्टूडेंट्स ने कहा कि वो एक छोटे मोबाइल पे पढ़ रहे हैं। अब आप सोचिए कि जूम की क्लास अगर हो रही है और छोटे मोबाइल पे पढ़ा जा रहा है या कोई सी डॉक्यूमेंट को दिन रात छोटे मोबाइल पे पढ़ना, और कुछ बच्चे हैं 12-13% जिनके पास लैपटॉप है, तो इन्हीं फर्क का, इन्हीं चीजों का जो असमानता है उसी का आप एक एग्जाम एक तरीके से ले रहे हैं जिसमें स्टूडेंट के हुनर,
जिसमें स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग का कोई एग्जाम नहीं। एग्जाम इस चीज का है कि आज आपके पास सुविधा है कि नहीं। जी, जैसे कि आपने इतना अच्छे ये भी सर्वे की बात की, और लेकिन डीयू प्रशासन अभी भी इस चीज़ पर आमादा है कि वो एग्ज़ाम लेगा, और इसको लेकर उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले एक मॉक एग्ज़ाम भी लिया, जो कि एक्चुअली अपने नाम के हिसाब से ही रहा कि वो मॉकरी हो गया एक, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, मॉक एग्ज़ाम से तो स्टूडेंट्स और भी बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं, और मॉक एग्जाम ने उनको कॉन्फिडेंस देने की बजाय उनको और जिटरी और परेशान कर दिया। देखिए, ये समझना होगा कि ओबी अपने आप में एक डिफरेंट प्रक्रिया है एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो स्टूडेंट के लिए दो चीजें चेंज हो रही हैं, एक है प्रोसेस और एक है पैटर्न। और स्टूडेंट ये समझ रहा था कि मॉक एग्जाम में उसको सैंपल पेपर मिलेगा। देखिए, पढ़ाई हम जिस भी तरीके से करते हैं, स्टूडेंट का एग्जाम को प्रिपेयर करने का एक तरीके में ये होता है कि 10 साल में क्या सवाल पूछे गए, किस तरीके से सवाल आएगा, मैं किस तरीके से प्रिपेयर करूं। और आज जब आपने ओबी का फैसला लिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जब ओबी का फैसला लिया, ये टीचर्स और स्टूडेंट को 14 मई को पता चला। यानी ये कि जो हमने लॉकडाउन पीरियड में भी पढ़ाया, 19 मार्च से लेकर हम लोगों ने पढ़ाया पूरे समय, 14 मई तक जितना भी पढ़ाया, न टीचर को पता था न स्टूडेंट को पता था कि उसे ओपन बुक एग्जाम लेना है। ओपन बुक एग्जाम का अपना एक पेडागोजी है, और हम लोग जो रेगुलर टीचर्स हैं, और हमारे सामने बहुत कम टीचर्स हैं जो जिन्होंने क्लासेस में ये कभी कभी असाइनमेंट के तौर पे या टेस्ट के तौर पे एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, पर ये किसी तरीके से कोऑर्डिनेटेड तरीके से न बताया गया न बोला गया स्टूडेंट को न टीचर को। तो स्टूडेंट ये होप कर रहा था कि सैंपल पेपर में उसका पेपर नजर आएगा। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जब स्टूडेंट अपना लॉग इन करता है तो उसको दो जोन मिलते हैं। एक यह है कि आपने कौन से पेपर के लिए अप्लाई किया था एग्जाम फॉर्म में, तो वो लगभग इंफॉर्मेशन है, और दूसरा यह है कि आप कोई भी आप पेपर डाउनलोड करें, और उसमें स्टूडेंट को मिला सेकेंड ईयर का पेपर, उसमें स्टूडेंट को मिला एनुअल सिस्टम का पेपर, संस्कृत का पेपर पड़ा हुआ है, फिलोसफी का है, साइकोलॉजी का नहीं है। तो जो साइकोलॉजी का स्टूडेंट है वो परेशान है कि बाकी पेपर जब लग रहे हैं कि इकोनॉमिक्स के हैं या इसके हैं, तो मेरा पेपर कहाँ है। तो एक तो स्टूडेंट को यही समझ नहीं आया कि वो कोई भी पेपर डाउनलोड कर ले और एक्स वाई जेड हो या फोटो बना के भेज दे, यूनिवर्सिटी उससे यही चाह रही है, वो परेशान हो गया। और दूसरी बात यह है कि प्रोसेस में ही बहुत सारी गलतियों का होना, यानी कि स्टूडेंट रजिस्टर ही ना कर पाए, अगर स्टूडेंट का जो ओटीपी आना है ईमेल पे वो उसके पीछे वाले जो रोल नंबर, दूसरा रोल नंबर है, उसकी ईमेल पे जा रहा है कि ये आपका रोल नंबर है और ये आपका ओटीपी है, तो स्टूडेंट परेशान है कि मेरा ओटीपी कहाँ गया, तो वो रजिस्टर नहीं कर पा रहा। दूसरी बात ये है कि अगर कनेक्शन लूप आपका ठीक नहीं है, कनेक्टिविटी, तो आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे सवाल को। अगर आपने डाउनलोड कर लिया तो उसके बाद ये कहा जा रहा है कि चार आपको 6 क्वेश्चन में से 4 करने होंगे एग्जाम में फाइनल में। तो उसी तरीके से पोर्टल भी बना है कि आप 4 सवालों के जवाब बना के उनको अलग अलग स्कैन कीजिए, यानी कि स्टूडेंट हर एक अपने सवाल पे अपना रोल नंबर लिखे, अपना नाम लिखे, क्या क्या उसको लिखना होगा, रोल नंबर वगैरह लिखना होगा, उसको 4 बार स्कैन करना पड़ेगा। देखिए, मतलब ये कि वो इस बात से परेशान है कि उसका अगर एक क्वेश्चन अपलोड हो गया, दूसरा अपलोड नहीं हो रहा। उसके ऊपर भी 5 MB का लिमिट है कि आप इससे बड़ी फाइल नहीं डाल सकते। अब हमारे पास आप देखिए डूटा में हजारों मेल्स आए, स्टूडेंट अभी भी लिख रहे हैं, आज सुबह भी लिख रहे हैं, रात तक लिखते रहते हैं। कई स्टूडेंट ने कहा कि हम SOL के स्टूडेंट हैं या हम कौन से कोर्स के स्टूडेंट हैं, हमें यही नहीं मालूम है कि फाइल को कैसे कंप्रेस करें, ये टेक्निक हमें नहीं आता है। तो आप समझ रहे हैं कि सारे इक्वली इक्विप्ड हैं टू रिस्पॉन्ड टू दीज सिचुएशंस, वेयर एज हमारे पास स्टूडेंट जो है इतने डाइवर्स तबके का आता है। और देखिए, यूनिवर्सिटी जिसमें 50% रिजर्वेशन SC ST OBC का हो, EWS का रिजर्वेशन हो, उसके बियॉन्ड भी मार्जिनलाइज सेक्शन का, गांव से पहली बारी उठकर पढ़ने आने वाले बच्चों का, तरह तरीके का, मतलब ये जो जितनी सुंदर कहानियां थी कि कोई रिक्शे वाले का बच्चा आकर पढ़कर और क्या क्या बन गया, या कोई घर में काम करने वाली महिला का बच्चा आगे बढ़ रहा है और DU पढ़ा रहा है,
ये सारी कहानियों पे आपने इग्नोर ही कर दिया। आप एक ऐसा सिस्टम लेकर आ रहे हैं जो डिस्क्रिमिनेटरी है, जो स्टूडेंट को उसके क्रिटिकल थिंकिंग, उसकी सब्जेक्ट की समझ को इवेल्युएट नहीं कर रहा, उसको ऐसी तकलीफ पहुंचा रहा है कि उसका एग्जाम कैसे होगा उसे मालूम नहीं। इसमें मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि जो रूटीन प्रोसेस में एग्जाम होता है, हमारे कमरे में जितने स्टूडेंट्स होते हैं उसके लिए प्रोसीजर सेम रहता है। उसको घर से ड्रॉ करके, उसके छोटे कमरे हो चाहे बड़े कमरे हो, उसके पास किस तरीके के गैजेट है नहीं है, पर उस दिन जब एग्जाम हो रहा होता है आप एक एनवायरमेंट देते हो और वो एक एनवायरमेंट सबके लिए होमोजीनियस होता है। दूसरी बात यह है कि हर एक बच्चे को टीचर उतना ही अटेंशन देता है, किसी में भेदभाव नहीं होता। जो बच्चा शीट मांगता है उसके ऊपर हम भाग के जाते हैं, उसको शीट देते हैं, पानी चाहिए तो पानी। और आज हम क्या कर रहे हैं, आज यूनिवर्सिटी ये नहीं समझ रहा कि ओबी कंडक्ट करने में वो एक डिस्क्रिमिनेटरी एग्जाम फॉर्म लेकर आ रहा है। दूसरी बात, क्योंकि हमें ओपन बुक के लिए तो बुक चाहिए, ये भी सवाल हो रहा है, बच्चे कर रहे हैं लेकिन स्टूडेंट्स कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए एक और बड़ी परेशानी है, कोई भी यूनिवर्सिटी है वो जानी जाती है अपने एडमिशन प्रोसेस के लिए, टीचिंग लर्निंग के लिए और एग्जामिनेशन के लिए। क्या हम एक ऐसा एग्जाम अपनाने जा रहे हैं जिसकी क्रेडिबिलिटी पे ही सवाल है? उसकी क्रेडिबिलिटी पे इसलिए सवाल है कि वो अगर स्टूडेंट ने अपना रोल नंबर और ओटीपी किसी को दे दिया तो ये एग्जाम कौन लिखकर भेज रहा है ये यूनिवर्सिटी जांच नहीं कर पाएगी। और ये होने ही वाला है कि एग्जाम को रिक किया जाएगा, ये हमारी इमेजिनेशन के बियॉन्ड नहीं है क्योंकि तमाम यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता है और हम आज तक अपने एग्जाम को बहुत इम्पोर्टेंट मान के उसमें सारे टीचर्स और स्टूडेंट इन्वॉल्व होते थे, कर्मचारी इन्वॉल्व होते थे, और आज हम एक ऐसा फॉर्म ला रहे हैं जिसमें जो ऑनेस्ट स्टूडेंट है वही मार्जिनलाइज होगा और जो पैसा खरीद के कोई घोस्ट राइटर को खरीद सकता है, जिसके घर में बड़ा भाई या कोई और मदद कर सकता है, बहन मदद कर सकती है या पेरेंट्स मदद कर दें, इस तरीके का जो घोस्ट राइटिंग होगा उसको आप अवॉइड नहीं कर पाएंगे। तो ये जो जिस तरीके से ये एग्ज़ाम एक क्वालिटी एजुकेशन के खिलाफ है और इस सारे विवाद में एक ये चीज़ भी सामने आ रही है कि ये आप एक्चुअली क्या कर रहे हो कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन है जो उसको बढ़ावा दे रहे हो, तो आप इन दोनों चीज़ों को कैसे देखेंगे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और प्राइवेटाइजेशन? देखिए क्वालिटी पे तो मैंने आपको बता दिया कि किसी भी यूनिवर्सिटी का और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का थीम अलग होता है एज अपोज टू एनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और स्पेशलाइजेशन के लिए एक छोटा सा इंस्टीट्यूशन हो चाहे वो MBA का हो, मैनेजमेंट का हो या कुछ। हमारे पास एक मास एजुकेशन के लिए स्टूडेंट आते हैं जिसमें रिजर्वेशन एक के तौर पे, एक पॉजिटिव चीज की तौर पे हम वेरियस सेक्शंस ऑफ स्टूडेंट को लाते हैं, तो कोई भी प्रक्रिया हो चाहे हमारा क्लासरूम हो चाहे वो इवेल्युएशन सिस्टम हो एडमिशन, उसमें डिस्क्रिमिनेशन को हमें निकाल देना है। दैट इज द फर्स्ट एश्योरेंस वी हैव टू गिव एंड वी आर फेलिंग इन दैट। टीचिंग ठीक से नहीं हुआ, और मैं अभी भी बताना चाहती हूँ कि अगला सत्र शुरू होने वाला है, आज तक कोई मीटिंग यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ जिसमें उन्होंने सारे टीचर्स को इन्वॉल्व किया हो, जिसमें डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व किया हो ये समझने के लिए कि कितना प्रतिशत ऑनलाइन हो कितना प्रतिशत ऑफलाइन हो, क्योंकि हमें मालूम है कि कोविड का ग्राफ तो ऊपर जा रहा है। तो हमारा टीचिंग पे फोकस ना होना और आज के दिन में सिर्फ एक इवैल्यूएशन पे फोकस होना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। न्यूज क्लिक की डेली राउंडअप में बस इतना ही। इन सभी खबरों को और विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं न्यूज क्लिक की वेबसाइट पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर। देखते रहिए न्यूज क्लिक। धन्यवाद।